बोकारो जिले के बैरमो प्रखंड क्षेत्र के कथारा में मोतियाबिंद के मरीजों का कथारा नेत्र अस्पताल में लेंस प्रत्यारोपण किया गया। बताते चले कि गॉड आईज वन के संस्थापक उदय शंकर सिन्हा की दूसरी पुण्यतिथि पर 18 जनवरी को लगे जांच शिविर में मोतियाबिंद के मरीज मिले थे, जिन सभी मरीजों का लेंस का प्रत्यारोपण बीते दिन कथारा में किया गया और आज रविवार को सभी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस मौके पर अग्रवाल कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल अग्रवाल तथा गॉड इज वन संस्था के कई सदस्य मौजूद थे, जहां संस्था के इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस नेक कार्य में अनिल अग्रवाल का भरपूर सहयोग मिला है। वहीं अनिल अग्रवाल ने कहा कि हम लोगों का लक्ष्य है जो भी इस क्षेत्र में मोतियाबिंद के मरीज हैं वह इलाज कराने में समक्ष नहीं है, वैसे सभी मरीजों का इलाज कराएं और इस क्षेत्र में मोतियाबिंद को समाप्ति की ओर ले जाने का कार्य करें। हमारी संस्था गॉड इज वन, जिसका मैं सचिव हूँ और ये संस्थापक के पुत्र विवेक सिन्हा और बाकी हमारे जितने सदस्य लोग मिलकर ये कैंप लगाए थे, जिसमें अनिल अग्रवाल जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने ही हम लोगों को बताया कि यहाँ पर इस तरह का मोतियाबिंद का ऑपरेशन गरीब लोगों को हो सकती है और हम लोगों ने उन्हें अपना अगुआ मानकर इनके बातों पर अमल कर हमने ये कि पुण्यतिथि चूँकि पुण्यतिथि उदय सिन्हा संस्थापक के थी, जिसमें हमने शिविर लगाई थी, जिसमें 137 लोगों ने जांच कराई और 57 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। 95 टोटल मिला के 95 लोगों की ऑपरेशन हुई और काफ़ी खुशी हुई कि सभी लोग संतुष्ट हैं और खुश हैं, सभी को दवा मिला, चश्मा मिला और खाना पीना सब फ्री मिला। संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी को, अवधेश जी को और यहाँ के जितने भी डॉक्टर और यहाँ के जितने कर्मचारियों को। संस्थापक के पुण्यतिथि पर हम लोग इस तरह ही मोतियाबिंद का शिविर लगाएंगे, जिसमें हमें उम्मीद है कि अवधेश जी का और अनिल जी का सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। आज जो मोतियाबिंद शिविर लगा था गॉड इज वन कार्यालय में, वहाँ पे बहुत सारे मरीज आए थे जो मोतियाबिंद से ग्रसित थे। लगभग 95 मरीजों का सफल ऑपरेशन होकर उनको आज छुट्टी दी जा रही है। मैं संस्था को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास करके डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया और हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनका भी काफ़ी सहयोग रहता है। इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहा तो हम लोगों का ये लक्ष्य है कि इस पूरे क्षेत्र से मोतियाबिंद के जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी जो अपने पैसे से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वैसे लोगों का हम लोग इलाज करा करके इस क्षेत्र से मोतियाबिंद को समाप्ति की ओर ले जाने का काम करेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट।